So we have to start with this triangle chapter, and this was the homework. Try these. First of all, find the six elements. So do you know what are the six elements of a triangle? Six elements of a triangle are first are right angle triangle, then isosceles triangle, and sides angles or acute angle, obtuse angle, right angle. वेट वेट थोड़ा सा, ठीक है ना। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, तब भी अपनी कहानी चली जा रही है। मैंने क्या बोला? मैंने टाइप्स ऑफ ट्रायंगल बोला है क्या? क्या बोला मैंने? साइड्स और एंगल्स, सिक्स एलिमेंट्स ऑफ अ ट्रायंगल बोला था मैंने, ठीक है। और यहाँ पे बुक में साफ साफ लिखा है सिक्स एलिमेंट्स, थ्री साइड्स और थ्री एंगल्स को बोलते हैं। ओके, तो ये नोट्स में लिख लो। इन अ ट्रायंगल, ठीक है, देर आर सिक्स एलिमेंट्स। Three are sides and three are angles. Okay. So this information will be useful when we will be doing congruency of triangle. In case of congruency of triangle, we use three things out of these six things to prove that the two triangles are congruent or not. Okay. So we will discuss about those things later on. बट अभी इस क्वेश्चन में देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर वन बोल रहा है राइट सिक्स एलिमेंट्स, दैट इज, इसे बोलते हैं दैट इज थ्री साइड्स एंड थ्री एंगल्स ऑफ ट्राइंगल एबीसी। तो ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो कह रहा है ट्राइंगल क्या है? एबीसी। तो उसका क्या बोल रहा है? थ्री साइड्स बताओ, थ्री एंगल्स बताओ, बेसिकली सिक्स एलिमेंट्स बताओ। सो थ्री साइड्स आर, बताओगे थ्री साइड्स कौन कौन सी हैं? एक तो स्केलिंग होता है, स्केलिंग। अरे बेटा, थ्री साइड्स, इस ट्रायंगल की साइड्स क्या है? मैं टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, एबीसी, पहला साइड ए बी, पहला साइड ए, फिर उसके बाद बी सी, ए बी, बी सी, सी ए। इसको आप अलग ऑर्डर में भी लिख सकते हो, पहले ए सी लिख दो, बी सी लिख दो, सी ए लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो थ्री साइड्स आर ए बी बी सी सी ए। ओके, हाँ, अब थ्री एंगल्स आर, देन एंगल्स आर ए बी सी। सो एंगल ए बी सी, तो एंगल कहाँ पर हुआ? एंगल में हम सिर्फ एंगल ए भी लिख सकते हैं, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी भी लिख सकते हैं, पूरा भी लिख सकते हैं। पूरा लिख के दिखा देता हूँ। देखो, एंगल ए को मैं लिख सकता हूँ, एंगल ए को कैसे लिख सकता हूँ? बी ए सी, एंगल बी को कैसे लिख सकता हूँ? सी बी ए। वेरी गुड, एंगल सी बी ए, एंगल सी बी सी। ओके, तो ये भी, ये तीन भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारे ये छह एलिमेंट्स हो गए, तीन साइड्स, तीन एंगल्स। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन डन, अपना करेक्शन कर लो, डू द करेक्शन, देन विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ लेट अस मूव ऑन टू सेकंड क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन इज सेइंग साइड ऑपोजिट टू वर्टेक्स क्यू। अब एक ट्रायंगल में बेसिकली तीन चीजें होती हैं, लेट्स से ए बी सी,
ये जो जगह होती है उसे हम साइड बोलते हैं, ये जो बीच में जो एंगल बनता है वर्टेक्स, इसे बोलते हैं एंगल, और वर्टेक्स इस ओके पॉइंट को वर्टेक्स बोलते हैं। हाँ ठीक है, ये ध्यान रखो, ये जो दो लाइनों के बीच का जो गैप है ना इसे हम एंगल बोलते हैं, बट इस पॉइंट को हम वर्टेक्स बोलते हैं। ओके, तो ओके इसी तरीके से ये भी एक पॉइंट है। वर्टेक्स वो पॉइंट होता है जहां पर दो या दो से ज्यादा लाइंस मीट करती हैं। ओके, वर्टेक्स होगा बेटा एक तो पॉइंट ही होगा ना, जैसे लाइन हो जाएगी तो उसे वर्टेक्स नहीं बोलते, उसे पॉइंट बोलते हैं बस। वर्टेक्स इज अ पॉइंट which वेयर has टू where two or और more मोर लाइंस lines मीट। meet. ओके, यू कैन राइट दिस थिंग डाउन, मैं इसको यहां से हटा देता हूँ। वेयर एज ये जो लेंथ है इसे बोलते हैं साइड। ओके, एंड दिस गैप इज नोन एज एंगल। ओके, सो जरा इसको कॉपी कर लो। इन द मीन टाइम हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में फर्स्ट पार्ट में क्या बोला है, एक ट्रायंगल है पी क्यू आर, कोई भी ट्रायंगल हो सकता है, तो मैं एक बना देता हूँ पी क्यू आर। वो कह रहा है साइड ऑपोजिट टू वर्टेक्स क्यू। अब इस वर्टेक्स के ऑपोजिट कौन सी साइड है, पी आर। तो हम सिंपल से एक स्टेटमेंट लिख देंगे, पी आर PR is opposite side to vertex. या पी आर इज ऑपोजिट टू, Opposite तो लिख सकते, सीधा साइड लिखने की जरूरत नहीं. वी विल राइट साइड पी आर, देन साइड पी फिर आर ऊपर अगर हम लाइन डाल देंगे. तब भी ठीक है। साइड पी आर इज ऑपोजिट टू वर्टेक्स तो वर्टेक्स थी. क्यू। ओके, तो ये स्टेटमेंट लिखना इंपॉर्टेंट, स्टेटमेंट जरूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, सेकंड पार्ट। बेसिकली एंगल ऑपोजिट टू साइड एल एम, तो मुझे बेसिकली यहाँ पर एक दूसरा ट्रायंगल बनाना है जिसका नाम है एल एम एन। ओके, तो पहले हम उसका एक फिगर छोटा सा बना लेते हैं ट्रायंगल का, एल एम एन। अब वो क्या बोल रहा है कि एंगल ऑपोजिट टू एल एम, तो मुझे जो एल एम है ये जो साइड ये भी है लिख सकते सीधा एन. तो एंगल एन, तो हम एंगल एन लिख सकते हैं। तो सेकंड पार्ट में बोल सकते हैं एंगल एंगल एन में जाके एन देखो इज इज ऑपोजिट टू ऑपोजिट साइड टू एल. साइड एल एम। ठीक है ना, ये फिगर बनाओगे तो आपके लिए आसान हो जाएगा उसको देखना। हाँ, रफ में आप फिगर बना सकते हो उसको। थर्ड पार्ट में आ जाते हैं, थर्ड पार्ट इज वर्टेक्स ऑपोजिट वर्टेक्स टू आर टी। अब देखो बहुत ही सिंपल चीज है, आर टी के आरटी तो उपयोग फिर से एस साइड, बचा, तो एस बचा. मैं सीधा से फिगर की भी जरूरत नहीं पड़ती इतनी बार। सो वर्टेक्स एस इज ऑपोजिट टू साइड आर टी। ओके, तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इरेज कर दूँ सारा, यस कॉपी कर लिया। यस मैंने ऊपर वाली ड्राइंग कॉपी कर ली. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है क्लासिफाई फिगर्स 6.2 अकॉर्डिंग टू साइड्स एंड एंगल्स। तो टाइप्स ऑफ ट्रायंगल तो आपको पता ही होंगे, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ ट्रायंगल जो आप बता रहे थे। ओके वो जो एस के स्केलिंग स्केलीन और वो सब, ठीक है ना। तो उसके अंदर हमें इनको क्या करना है, क्लासिफाई करना है। तो देख लेते हैं जरा फिगर एक बार। वन सेकेंड, लेट मी जस्ट गो डाउन अ लिटिल बिट। ठीक है, ये हमारे फिगर्स हैं, इसको मैं बड़ा ही कर देता हूँ, सीधा इसे में कर देता हूँ।
तो हमें दोनों में बताना है, ओके, साइड के परस्पेक्टिव से भी बताना है और एंगल के परस्पेक्टिव से भी बताना है। चलो पहले का बताओ क्या आंसर लिखा है। पहले का मैंने लिखा है एसी बीसी एबी। क्या ए सी बी सी ए बी, हमें बताना है टाइप ऑफ ट्राइंगल। अब इसमें टाइप ऑफ ट्राइंगल बताना तो बताना है, टाइप ऑफ ट्राइंगल अकॉर्डिंग टू साइड। पहला तो ये वैसे ही होना चाहिए आइसोसेलेस, क्योंकि इसमें दो साइड। वेरी गुड, आइसोसेलेस ट्राइंगल बिकॉज इसमें ये दोनों साइड्स इक्वल हैं, ठीक है। तो जब कोई दो साइड्स इक्वल होती हैं, ये सिंबल होता है बनाने का, मतलब हम ऐसे एक लाइन से हम इसको कर देते हैं, ठीक है, आइसोसेलेस ट्राइंगल। और एंगल के परस्पेक्टिव से, एंगल के परस्पेक्टिव से ये सारे एंगल कौन से लग रहे हैं? ये ऑब्टूज़ नहीं, ऑब एक्यूट एक्यूट सारे के सारे एक्यूट लग रहे हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा? एक्यूट एंगल ट्रायंगल। अगर जैसे समझ लो तीन साइड है और उनमें से एक ऑपोजिट है, मतलब ऑब्टूज़ है और एक दो एक्यूट है, तो एक्यूट राइट। अगर एक भी ऑब्ट्यूस हो गया तो वो ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम लिखते हैं एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल, ठीक है। तो ये फर्स्ट का आंसर हो गया। सेकंड का बताओ, पहले साइड के की पहले साइड बता देता हूँ। साइड की परस्पेक्टिव से ये स्केलिन है, क्योंकि कोई भी साइड इक्वल नहीं है। वेरी गुड, स्केलिन और फिर ये राइट एंगल ट्रायंगल है, बिकॉज इसमें 90 डिग्री है ये वाला एंगल, तो ये बोलेंगे राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। चल थर्ड बताओ इसका आंसर। इसका आंसर होगा ये तो फिर वो है आइसोसेलेस, बट इसमें तीसरे साइड की वो दी। चलो उसके बारे में सोचते हैं, तीसरे साइड का क्या होगा। देखो क्या चांसेस हो सकते हैं कि ये 7 सेंटीमीटर हो। अगर सपोज करो ये 7 सेंटीमीटर होता तो तीनों के तीनों साइड्स इक्वल हो जाती, यस, तो फिर वो ठीक है ना। तो कौन सा ट्रायंगल बन जाता वो? इक्विलैटरल। आपको पता है इक्विलैटरल ट्रायंगल के एंगल्स की वैल्यू कितनी होती है? क्या आपको लगता है कि ये 60 डिग्री है? ऑब्ट्यूज है ना, नहीं है ना। तो ये इतना समझ में आ गया कि ये 7 नहीं है, ठीक है। 7 नहीं है तो इसका मतलब दो साइड इक्वल, तो हम क्या आंसर देंगे इसका? इसका आइसोसेलेस। वेरी गुड, समझ में आई बात? यस। तो हमें चिंता करनी नहीं है तीसरा साइड की, तीसरा साइड कुछ भी हो, वट एवर इट इज, ओके, थर्ड साइड वट एवर, लाइक चाहे 7 से ज्यादा हो 7 से कम हो, वो हम बाद में बात करेंगे, बट अभी इतना पक्का है कि ये दोनों इक्वल हैं और ये इक्वल नहीं है। वेरी गुड, आंसर हो गया आइसोसेलेस, ओके। और दूसरा, ये एंगल जो है 90 से ज्यादा है और हमें पता है कि एक ट्राइंगल में एक से ज्यादा ऑब्ट्यूज नहीं हो सकता, तो आंसर हो गया ऑब्ट्यूज एंगल्ड, ठीक है। थर्ड फोर्थ बताओ। फोर्थ तो वैसे हमने डिस्कस कर ही लिया है, फोर्थ वाला में इक्विलैटरल और सारा इसमें एक्यूट ही होता है। इक्विलैटरल ट्राइंगल और एक्यूट क्यों होता है? क्योंकि 60-60 60 होता है, ठीक है ना। ये बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन है जो हमें पता होनी चाहिए। सो एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल, ओके। फिफ्थ बताओ। इसका हुआ कि आइसोसेलेस,
वेरी गुड. आइसोसेलेस साथ में एंगल ऑब्ट्यूज. ऑब्ट्यूज. ओके अब जल्दी से इसको लास्ट वाले को भी खत्म कर देते हैं. ये राइट एंगल ट्रायंगल ना साथ में इसकी ये दो साइड है इक्वल. ये वैसे वो है आइसोसेलेस. ओके क्या ये सिक्स हो सकती है? नहीं नहीं क्योंकि वो वैसे भी वो राइट एंगल है और दो राइट एंगल मतलब 90 डिग्री है ना फुल. और ठीक है मैं समझ में आई बात. तो ये भी क्या हो गया आइसोसेलेस राइट एंगल्ड ट्राइंगल. तो उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा और अपनी नोटबुक आपने चेक कर ली होगी. सेल्फ करेक्शन कर ली ना? यस. कुछ गलत था? नहीं मतलब सारे गलत थे क्योंकि मैंने उसकी जगह वो लिख दी PRRQ PR साइड मैंने ऐसे लिख दिया था साइड. तो मैंने सोचा कि मुझे साइड्स चाहिए मतलब साइड्स एंगल्स. बेटा क्वेश्चन क्वेश्चन नहीं पढ़ते हो ध्यान से. रीड द क्वेश्चन केयरफुली. सी हियर उसने साफ साफ बोला था क्लासिफाई. व्हाट डू मीन द क्लासिफाई? जब वो एलिमेंट पूछ रहा तब आप उसके अंदर कुछ और बता रहे हो. जब वो क्लासिफाई करने के लिए बोल रहा तब आप कुछ और कर रहे हो. तो रीड द क्वेश्चन केयरफुली. ठीक है ये ट्राइजीज बहुत ही इंपॉर्टेंट था. बच्चों को पता ही नहीं चलता ट्राइजीज है करने की जरूरत है या नहीं है. टीचर इसमें से क्वेश्चंस दे देती है क्योंकि ये रीकैप था सॉर्ट ऑफ. ठीक है नेक्स्ट में हम चलते हैं.